अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। सियाने कहते हैं जनाब के किसी भी मसले के हल के लिए सही बंदा ढूंढ लेना जिसके पास उस मसले का हल हो। मसला समझ लें कि आधा हल हो गया। इट्स अ हाफ सॉल्यूशन टू फाइंड अ राइट पर्सन टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। इसी तरह से कोई भी सवाल जब आपको दिया जाता है एग्जाम में, सवाल को पढ़ के ये समझ लेना कि इसके जवाब में क्या लिखना है, समझ ले आधे से ज्यादा मसला आपका हल हो गया। जब यही क्लियर नहीं है कि जवाब में लिखना क्या है, तो फिर मसला जूं का तू मौजूद है या तू का जू मौजूद है। तो जनाब पहले सवाल को अच्छी तरह से तोलें, सोचें, फिर बोले ना लिखें। मतलब ये कि बेटा जी पहले अच्छी तरह से ये समझ लीजिए कि शायर कह क्या रहा है, कि इस सवाल में क्या पूछा जा रहा है। मैं दरवाजा बंद कर दूं, फिर खुला रह गया। हाँ जी, तो ये पहले तय कर लें कि इस सवाल के जवाब में लिखना क्या है। जब ये तय हो जाए कि क्या लिखना है, तो फिर आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि अब टारगेट बिल्कुल आपके सामने है। और ब्राय मेहरबानी मैं ये कहा करता हूँ अक्सर स्टूडेंट्स को कि वेक्टर के निशान लगाने के लिए ना कोई दिहाड़ी पे बंदा रख ले साथ, तो जहां कहीं वेक्टर का निशान लगाना है नहीं लगाना ध्यान रखें, कहाँ पे जरूरी है, कहाँ पे ये काम आपने करना है। अपने सवाल, जो सवाल आपको दिया गया है उसका जवाब एक्सप्लेन करने के लिए क्या आप लिखना चाहते हैं, कोई इक्वेशन लिखना है, कोई डायग्राम बनाना है, वो लाजमी बनाइए जो आपके जवाब को एक्सप्लेन कर दे। याद रखिए कि पेपर चेक करने वाले के लिए आप महज एक नंबर हैं, एक रोल नंबर हैं, लेकिन आप और आपका पेपर आपकी आयदा आने वाली जिंदगी है, आपकी मेहनत है पूरे सेशन की। तो इसे किसी भी थोड़ी सी गफलत की वजह से हाथ से मत जाने दीजिए। जवाब वाजे करके लिखें, क्लियर लिखें, और अपने जवाब को एक्सप्लेन करने के लिए हर मुमकिन तरीका इस्तेमाल कीजिए। आप देखिए जो मार्केटिंग वाले हैं ना, वो ये कहते हैं जनाब कि अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए गाहक की मेहनत, तरला, दलील, जो मर्जी आपको करना पड़े कर ले, टारगेट है कि आपने ये बेचना है। इसी तरह से आपने नंबर भी लेने हैं, सिर्फ इल्म हासिल करके गुजारा नहीं होना, नंबरों की दौड़ में भी हमने रहना है। तो ब्राय मेहरबानी जवाब अपना क्लियर लिखें और अपनी बात को वाजे करके बयान करने की कोशिश कीजिए। तो चले जी, अब हम थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज शुरू करने लगे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जनाबे आली 3.1। पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको स्टेटमेंट यहां नजर आ रही होगी, सोल्यूशन भी यहां लिखा हुआ नजर आएगा आपको। एक्सप्लेन में करता जाता हूं साथ साथ। पहला सवाल क्या है जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी में फर्क क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है जनाब? वेलोसिटी का फॉर्मूला देखिए जनाबे आली, क्या है जनाब? डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। ये वैल्यू यूनिफॉर्म रहेगी अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम की रेशियो यूनिफॉर्म रहेगी। मतलब फॉर ईच इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज इक्वल, देन वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज, अनअल्टर्ड, यूनिफॉर्म रहती है फिर वेलोसिटी। और वेरिएबल वेलोसिटी में क्या है जी, कि फॉर ईच इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वक्त के हर बराबर वक्फे के लिए डिस्प्लेसमेंट इज अनइक्वल, तो वेलोसिटी वेरिएबल होगी। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी की डेफिनेशन से, इसकी रू से एक्सेलरेशन की तरफ चलिए जनाब। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ऐसा यूनिट्स क्या है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के? वेलोसिटी के मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन के मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी। ये जनाब आपकी खिदमत में दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन अब शुरू करने जा रहे हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन पेश किया गया प्रोफेसर नवान अहमद जीरक के तावन से। आइए चलते हैं जी आगे, बीच में कमर्शियल ब्रेक भी थी। दूसरा जनाब, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गौर से सुनिए। डायग्राम बनाना है जैसे बनी हुई नजर आ रही है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे आपको वेक्टर का निशान नहीं नजर आ रहा, इसलिए क्योंकि बोल्ड करके लिखा गया है। आपने हाथ से लिखते हुए ऊपर वेक्टर का साइन डालना है जी। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर को फेंका गया है, अपवर्ड थ्रो किया गया है। डिस्कस कीजिए, सवाल समझ लें, डिस्कस कीजिए साइन ऑफ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन का साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा?
रिलेटिव टू वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिहाज से एक्सेलरेशन का साइन कैसा होगा व्हाइल द ऑब्जेक्ट इज इन एयर, जब तक वो ऑब्जेक्ट हवा में है, तो वो हवा में है मतलब ऊपर को जा रहा है नीचे को आ रहा है, दोनों सिचुएशन में दोनों केस में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का साइन मालूम करना है विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। देखिए जी, जब आप इसे ऊपर को फेंकेंगे वेलोसिटी होती है हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो जब ऊपर को फेंकेंगे तो वेलोसिटी है बेटा जी ऊपर को, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स चूंकि नीचे को है इसलिए ऊपर को जाते हुए वेलोसिटी में कमी आ रही है। वेलोसिटी में कमी आने का मतलब है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, डीसेलरेशन है, रिटार्डेशन है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी के लिहाज से एक्सेलरेशन है अपोजिट है, तो एक्सेलरेशन किधर को है जनाब अली, नीचे को है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अब जी से लिख देंगे वो भी ठीक है। तो जनाब जबकि वो ऑब्जेक्ट ऊपर को जा रहा है तो वेलोसिटी के लिहाज से एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव है, वेलोसिटी के लिहाज से एक्सेलरेशन अपोजिट है। ये तब था जब वो ऊपर को जा रहा है, ऊपर को जाते 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 मैक्सिमम हाइट पे जाके ये रुका, रुकने का मतलब है वेलोसिटी जीरो हो गई, चेंज इन वेलोसिटी मैक्सिमम है, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम थी यहाँ पे जीरो हो गई, वेलोसिटी में मैक्सिमम चेंज आ चुकी है, वेलोसिटी जीरो हो चुकी है। जब वो नीचे को आना शुरू होगा तो चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे को अमल कर रही है इसलिए नीचे को आते हुए वेलोसिटी में इजाफा होगा, और जब वेलोसिटी में इजाफा होगा इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और वेलोसिटी के लिहाज से एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब है कि एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी की सीमत में है। ये हो गया जनाबे आली। तो जब वो ऑब्जेक्ट एयर में हवा में है तो जब वो ऊपर को जा रहा है एक्सेलरेशन तब भी नीचे को है, जब नीचे को आ रहा है एक्सेलरेशन तब भी नीचे को है, लेकिन जब वो ऊपर को जा रहा है तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है, और जब नीचे को आ रहा है तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में है। तो नीचे आ गया, अब वो हवा में नहीं रहा, अब हमारा टास्क जो हमें दिया गया वो खत्म हो गया है। चलें जनाब अली आगे, तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन जनाब देखें जी, सिचुएशन यही है इसमें भी। तीसरा क्या है जनाब, कैन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स द डायरेक्शन, क्या किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रिवर्स हो सकती है, क्या किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रिवर्स हो सकती है, कब, व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, जब कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यही डायग्राम बनाना है यहां पे भी, ठीक है ना, यहाँ डायग्राम नहीं बनी हुई लेकिन लिखा हुआ नीचे सी फिगर वन, वो पीछे क्वेश्चन का डायग्राम देखिए वही है, ये वही बनाना है। वो सिचुएशन क्या है कि एक्सेलरेशन रिवर्स हो रहा है, देखें जब सॉरी वेलोसिटी रिवर्स हो रही है, वेलोसिटी रिवर्स हो रही है, एक्सेलरेशन सेम है, कैन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स द डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अब देखिएगा वो ऊपर को जा रहा है तो एक्सेलरेशन जी है और नीचे को है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और नीचे को है, और जब ये ऑब्जेक्ट नीचे को आ रहा है तो एक्सेलरेशन तब भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, अब भी नीचे को है। पहले जब वो ऊपर को जा रहा था वेलोसिटी में कमी आ रही थी, एक्सेलरेशन नेगेटिव था, नीचे को था, अब नीचे को आ रहा है, वेलोसिटी में इजाफा हो रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, नीचे को है। अब देखिए वो ऑब्जेक्ट चाहे ऊपर को जाए चाहे नीचे को आए, वेलोसिटी चाहे ऊपर को हो चाहे नीचे को हो, एक्सेलरेशन ऑलवेज रिमेन्स डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे को ही रहता है और उसकी वैल्यू भी वही रहती है, तो एक्सेलरेशन सेम है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है। ये था जनाब तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो आपकी खिदमत में अभी पेश किया गया। नाब आगे चलते हैं जी, चौथे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं भी डायग्राम ये जो सिंपल सी है अरेज नहीं कर रहा, इसकी जरूरत हमें पड़ जाएगी अभी भी। चौथा क्या कह रहा है जी, स्पेसिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, सही जवाब बताइए, सही स्टेटमेंट बताइए। हम एक्सप्लेन कर देते हैं जी क्या सूरत हाल है। पहला क्या है जनाब, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, एक ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो सकती है, इवन स्पीड इज चेंजिंग, जबकि स्पीड चेंज हो रही है। तो बेटा जी वेलोसिटी में दो चीजें शामिल हैं, स्पीड यानी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो सवाल क्या है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड चेंज हो रही है, तो अगर स्पीड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए तो वेलोसिटी चेंज होगी। ये पॉसिबल नहीं है कि स्पीड तो चेंज होती रहे और वेलोसिटी चेंज ना हो, ना जी ना। ये हो सकता है कि स्पीड चेंज हो रही है, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, स्पीड नहीं चेंज हो रही, डायरेक्शन चेंज हो रही है,
वेलोसिटी चेंज होगी, दोनों में से कोई भी एक चेंज हो जाए, तो यहाँ पे तो जनाब स्पीड चेंज हो रही है तो वेलोसिटी लाजमी चेंज होना चाहिए। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। बी ऑप्शन देखते हैं जनाब। बी पार्ट क्या है जी? एन ऑब्जेक्ट कैन हैव कॉन्स्टेंट स्पीड, एक ऑब्जेक्ट की स्पीड कॉन्स्टेंट है, तो जी वही दोबारा लिखना पड़ गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन। एन ऑब्जेक्ट कैन हैव, बी पार्ट सॉरी मैं सी पढ़ने लगा था, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव कॉन्स्टेंट स्पीड, एक ऑब्जेक्ट की स्पीड कॉन्स्टेंट है और वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये ठीक है, करेक्ट है, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्यों भाई? वेलोसिटी डायरेक्शन की वजह से चेंज हो सकती है, गाड़ियां मोड़ काट रही है, स्पीड अगर कांस्टेंट है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी में चेंज आ रही है, तो स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो स्पीड भी कांस्टेंट होना पड़ेगी, ये पक्की बात है। सी ऑप्शन जनाब ये वाली देखिए, ये बड़ा मजेदार है। एन ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो वेलोसिटी, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी जीरो है, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो वेलोसिटी, वेलोसिटी जीरो है, इवन एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। देखिए ये मैं दो सिचुएशन एक्सप्लेन करता हूं, एक तो अभी अभी हमने की कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर को फेंकेंगे, थ्रो करेंगे, मैक्सिमम हाइट पे जाके ये रुकेगा, मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी जीरो होगी, अब वेलोसिटी जीरो हो गई है, एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, वेलोसिटी जीरो हुई है, कैसे? एक्सेलरेशन है बेटा जी चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अभी देखे फाइनल, अब जब वो मैक्सिमम हाइट में जाकर रुका है तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हुई है, इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ है, पहले वेलोसिटी थी 50 मीटर पर सेकंड, ऊपर जाते हुए कम होते होते वो जीरो हो गई है, इनिशियल वेलोसिटी 50 थी, फाइनल जीरो है, तकरीबन 5 सेकंड के लगभग का टाइम लगेगा इस सारे प्रोसेस को, तो टाइम भी कुछ है, जीरो माइनस समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग जवाब क्या आएगा? नेगेटिव में कुछ आएगा, जीरो नहीं है, तो वो रुका है, वेलोसिटी जीरो ही, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। इसी तरह से गाड़ी जब ब्रेक लगाती है और गाड़ी जब रुकती है, एट द मोमेंट व्हेन इट इज जस्ट स्टॉप्ड, तो वेलोसिटी जीरो हो गई है, चेंज इन वेलोसिटी उस वक्त मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन है, इनफैक्ट मैक्सिमम होगा। इसी तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने पढ़ा हुआ है मैट्रिक में, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके बॉडी रुकेगा, एक्सेलरेशन उस वक्त मैक्सिमम है, वेलोसिटी जीरो है, तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, वेलोसिटी जीरो है, ये सही है जनाब। तीसरा डी ऑप्शन देखिएगा जनाब, डी स्टेटमेंट क्या है? एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, एक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, कैन रिवर्स वेलोसिटी, वेलोसिटी रिवर्स हो रही है, देखें तो यही सिचुएशन है, इसलिए मैं अरेंज नहीं किया था जनाब, वेलोसिटी रिवर्स हो रही है, पहले ऊपर को थी भी नीचे हो गई, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, डाउनवर्ड है, डायरेक्शन भी एक्सेलरेशन की वही है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी वही है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी रिवर्स हो रही है, डी भी सही है, बी सी डी तीनों करेक्ट है, ए वाली ऑप्शन सही नहीं है। लो जनाब अब चलते हैं हम आगे, मतलब नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन पे। मोहसिन खातिनो हजरात पेशे खिदमत है, पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं जनाब इसमें? अ मैन स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ टावर, एक बंदा जी टावर पे चढ़ गया, ताजा ताजा रिजल्ट आया उसका और अब वो टावर पे चढ़ के बैठ गया, फिर क्या कर रहा है? उसके हाथ में है जनाब दो बॉल्स, टू बॉल्स हैं, ये डायग्राम साथ बनी हुई देख रहे हैं आप, ये बनानी है आपने, सिंपल सी है, ज्यादा सोना बंदा बनाने की जरूरत नहीं है, मेरे जैसा है, नॉर्मल सा बना दीजिए बस अपने जैसा, है ना? तो एक बंदा है जनाब टावर पे चढ़ गया, अब उसके पास है जी दो बॉल्स, अब वो क्या करता है जी, थ्रो द बॉल स्ट्रेट अप, चले जी मैं यहां वहां भी डायग्राम आपको नजर आ रही है, यहां भी बना देता हूं, ये जनाब वाली टावर है और मैं तो जी इन्ना की बंदा बना सकता हूं, ज्यादा बंदे बनेंगे तो आप अपनी मेहनत से बनेंगे, लो जी इसके बाद लंबे सारे हाथ कानून की तरह, दो बॉल्स हैं जनाब इसके पास ए और बी, अच्छा एक बॉल को वो थ्रो करता है अप विद इनिशियल वेलोसिटी
वी आई, लो जी ये वाली बॉल, चले हम रंग बदल लेते हैं बॉल का, एक नीली बॉल कर लेते हैं, एक लाल कर लेते हैं, रेड वाली बॉल को वो ऊपर फेंकता है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी वी आई से हम फर्ज कर लेते हैं जी 50, और अपनी सूरत के लिए हम ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन 10 फर्ज कर लेते हैं, कैलकुलेशन जरा स्मूथ हो जाएगी, ज्यादा लंबी कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी फर्ज करें जी उसकी 50, 50 मीटर पर सेकंड से वो उसे ऊपर को फेंकता है, और एट द सेम टाइम दूसरा जो बॉल है ब्लू वाला उसको उसी वेलोसिटी से 50 मीटर पर सेकंड से ही वो फेंकता है, थ्रो करता है नीचे को। देखिए काबिले गौर बात ये है कि ये दूसरे बॉल को ऐसे रिलीज नहीं करता, तो दूसरे बॉल की इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है बल्कि थ्रो करता है ऐसे करके, इसकी इनिशियल वेलोसिटी नीचे को और इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर को है। सवाल क्या है, दोनों बॉल जब जमीन पे पहुंचेंगी तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, विच विल हैव हायर वेलोसिटी। आइए मौजूद खातिन हजरात देखते हैं, हमारे साथ रहिए। देखिए जी ये बॉल 50 मीटर पर सेकंड से नीचे को जा रही है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 50 है, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से नीचे को जाते हुए हर एक सेकंड में वेलोसिटी में इजाफा होता जाएगा, कितना, जितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो हमने 10 यहाँ पे सपोज किया है। ठीक हो गया जी, तो अभी यहां पे इसकी वेलोसिटी 50 है, एक सेकंड बाद हो गई 60, फिर 70, फिर फला 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 नीचे को, दूसरी बॉल जो फेंकी गई थी ऊपर को 50 मीटर पर सेकंड से, यहां से ऊपर जाते हुए चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे को लग रही है इसलिए ग्रेविटेशनल एक्सलेशन की वजह से जो कि डाउनवर्ड है ऊपर को जाते हुए वेलोसिटी में कमी आती जाएगी, ऊपर को जाते हुए वेलोसिटी में कमी आती जाएगी। और जनाब क्या हुआ, यहां से ऊपर को जाते हुए एक सेकंड बाद वेलोसिटी और रह गई 40, फिर 30, 20, 10, और फिर बिलाखर हो गई 0। ऊपर को जाते हुए वेलोसिटी कम होते होते 0 हो गई, और यहां से नीचे को आते हुए वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी उसी रेट पर, यहां से नीचे को आते हुए एक सेकंड बाद वेलोसिटी हो गई 10, 20, 30, 40, फिर 50, नीचे को आते हुए जब वो बॉल यहां पे आएगी फिर उतनी ही वेलोसिटी हो जाएगी जितनी यहां से ऊपर को जाते वक्त थी, तो यहां से जब वो बॉल मजीद नीचे को आएगी तो वेलोसिटी शुरू कहां से होगी, 50 से, 50 के बाद 60, 70, 80, मतलब ये बॉल यहां से नीचे को मूव करना शुरू किया था विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, और ये वाला बॉल भी ऊपर से होकर नीचे आया, और यहां से जब नीचे गया तो उस वक्त यहां से नीचे को जाते वक्त इसकी वेलोसिटी थी 50, फिर मजीद नीचे आते वक्त इजाफा हो गया, तो यहां से स्टार्ट नीचे को स्टार्ट देते वक्त दोनों की वेलोसिटी सेम थी, वो सेम वेलोसिटी से जमीन को हिट करेंगे, लेकिन ये पहले पहुंचेगा ये बाद में पहुंचेगा, क्यों, ये ऊपर से हो गया है ये यहीं से चला गया है, टाइम डिफरेंस का ख्याल रखना है, लेकिन जमीन के साथ टकराते हुए दोनों की वेलोसिटी एक जैसी ही रहेगी। ये तो था पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन, अब चले चलिए जनाब छठे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या कहा जा रहा है इसमें, छठा शॉर्ट क्वेश्चन जनाब, एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस, वो हालात एक्सप्लेन कीजिए जिनके जिनकी तहत क्या सूरत है जी, एक कार है, गाड़ी है जिसकी वेलोसिटी और एक्सलरेशन क्या है, पैरेलल, पहला पार्ट पैरेलल, देखिए जी वेलोसिटी और एक्सलरेशन पैरेलल का मतलब क्या है कि वेलोसिटी और एक्सलरेशन सेम डायरेक्शन में है, वेलोसिटी और एक्सलरेशन सेम डायरेक्शन में है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है मतलब कि वेलोसिटी में इजाफा हो रहा है, कार इज स्पीडिंग अप, कार इज स्पीडिंग अप, वेलोसिटी में इजाफा हो रहा है इसलिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है। दूसरा जनाबे आली, दूसरा पार्ट एंटी पैरेलल का मतलब क्या है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट हैं, कब, आपने किसी और सिचुएशन के बारे में नहीं बताना, सिर्फ गाड़ी के बारे में बताना है, कार है ये स्टेटमेंट में दी हुई है, तो कार इज स्पीडिंग डाउन, कार इज स्लोइंग डाउन, गाड़ी ने ब्रेक लगाई है स्लो हो रही है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी तो आगे को रहेगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन तो आगे को है, लेकिन चूंकि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में कमी आ रही है तो एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा इसलिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन
एंटी पैरेलल हैं। तीसरी सिचुएशन जनाब आली क्या है? तीसरी सिचुएशन जनाब, इसमें शायर क्या कह रहा है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जनाब परपेंडिकुलर में क्या सूरत हाल होगी? कार मोड़ काट रही है, सर्कल पे मूव कर रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो क्या होगा? वेलोसिटी होगी टेंजेंट के अलोंग, और सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सर्कल के सेंटर की तरफ। तो जब गाड़ी मोड़ काट रही होगी, टर्निंग अराउंड, तब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होंगे। उसके बाद चलिए जनाब, ये सिचुएशन हम पहले भी बात कर चुके हैं। चौथा जनाब याली क्या है? फोर्थ केस इसका क्या है जनाब? के सालरी हो, लंबी लंबी सालरी, थक गए। चौथा जी, वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। क्या हुआ? गाड़ी ने ब्रेक लगाई है, एंड एट द मोमेंट व्हेन द कार इज जस्ट स्टॉप, वो लम्हा जब गाड़ी अभी रुकी ही है, तो बिल्कुल रुकते वक्त वेलोसिटी जीरो हो गई है। चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट जीरो, वेलोसिटी जीरो हो गई, चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट जीरो, मतलब एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। पांचवा और आखिरी अल्लाह करके केस आया है। अब सिचुएशन क्या है बेटा जी? यहां पर वेलोसिटी जीरो नहीं है, एक्सेलरेशन जीरो है। वेलोसिटी जीरो नहीं है, एक्सेलरेशन जीरो है। तो एक्सेलरेशन कब होगा? व्हेन कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में मूव करती जा रही है, तो वेलोसिटी जीरो नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ है, मोशन हो रही है, यूनिफॉर्म है, कॉन्स्टेंट है। एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रही है। तो जनाब अली, छठा शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है। अब हम चलते हैं जनाब सातवें क्वेश्चन की तरफ। कहाँ पे? सातवें क्वेश्चन की तरफ। क्या कहते हैं जनाब? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहते हैं मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। देखिए बेटा, ये अभी हमने कहा कि अगर वेलोसिटी जीरो नहीं है, इंप्लाइज दैट वेलोसिटी इज कांस्टेंट अगर है, तो एक्सेलरेशन जीरो है। लेकिन अब क्या कह रहा है? कहता है कि मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो मोशन है, इज अ स्पेशल केस ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कहता अब ये स्पेशल केस है किसका? कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन तो नहीं है, लेकिन ठीक है, नहीं है, एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन आप एज ए स्पेशल केस कह सकते हैं, आप एज ए स्पेशल केस कह सकते हैं। क्या? कि जब तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, तब तक एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो। जब तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो होगा, जीरो का जीरो ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, जीरो ही रहेगा। तो जब चेंज नहीं हो रहा, तो कांस्टेंट है। एज ए स्पेशल केस हमने कह दिया कि ये चूंकि उतने का उतना ही है, इसलिए कह लीजिए। चले अगर आप इंसिस्ट करते हैं तो जनाब याली आठवां जी, आठवां शार्ट क्वेश्चन जनाब क्या कहता है जनाब आली? सूरत हाल क्या है? फाइंड द चेंज इन मोमेंटम, किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज कितनी आ जाएगी? कब? व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स, जब इस पर कोई फोर्स लगती है किसी गिवन टाइम के लिए, दिए हुए टाइम के लिए। और लाफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम भी बयान कीजिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, किसी बॉडी पर फोर्स लगती है, उसके नतीजे में उसके मोमेंटम में तब्दीली आ जाती है। डेफिनेशन लिखना है, मैथमेटिकल फॉर्म लिखना है, वेक्टर का निशान डालना ना भूलिए, जैसा कि अक्सर लोग भूल जाते हैं, ये याद रखिएगा। जनाब आली, नौवां सवाल क्या है? नाइन्थ शॉर्ट क्वेश्चन क्या है जी? के कंधा इंपल्स क्या है? When a large force applies on a body for a very short interval of time, जोर का झटका, धीरे से लगे, impulse है। जब very large force अमल करती है for a very short interval of time, तब ये impulse है। It is related to momentum. Impulse is equal to change in momentum. तो unit और dimension इसके momentum वाले ही हैं। तो याद रखिए, moving object में impulse होती है, हो सकती है, चेंज इन मोमेंटम है ये। इनिशियल वेलोसिटी हो सकता है जीरो हो, फाइनल वेलोसिटी हो सकता है जीरो हो, मोशन इन्वॉल्व है। बहरहाल
दसवां जनाब आली देखें, अब हम लम्हा ब लम्हा इख्तिताम की तरफ चल रहे हैं। दसवां शार्ट क्वेश्चन कहता है कि स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में बताइए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है? फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। चलो जी बता दिया। और फिर जी पॉइंटिंग आउट, इसमें आपने अहमियत बयान करना है किसकी? इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम की क्या अहमियत है जनाब? इसमें आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि एक तरफ अगर कोई चेंज आएगी, एक तरफ अगर किसी एक सिस्टम में किसी एक हिस्से के मोमेंटम में कमी आएगी, तो किसी दूसरे हिस्से के मोमेंटम में उतना ही इजाफा भी हो जाएगा। टोटल चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। अच्छा ये तो हो गया, आगे काम की बात है कि एक्सप्लेन व्हाई अंडर सर्टन कंडीशंस, कुछ सर्टन हालात में, कुछ मखसूस सूरत हाल में द लॉ इज यूजफुल। ये लॉ यूजफुल होता है हत्ता के सिस्टम कंप्लीटली आइसोलेटेड नहीं होता, लेकिन ये कंप्लीटली आइसोलेटेड सिस्टम तो आपको मिलना ही नहीं, वो तो आइडियल केस है। तो रियलिटी में क्लोज टू आइडियल मिल सकता है जिसमें एनर्जी लॉसेस निग्लिजिबली स्मॉल हो। इसलिए कंप्लीटली आइसोलेटेड सिस्टम नहीं भी होगा तब भी ये लॉ यूजफुल है। अच्छा एक और मजे की बात भी है कि कोलिजन ही होनी है ना जिसमें कोई मसला होगा, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। मोमेंटम तो इलास्टिक एंड इलास्टिक दोनों कोलिजन में कंजर्व रहता है, कनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ करता है। इसलिए चूंकि मोमेंटम, तो अगर एनर्जी का लॉस हो भी गया तो मोमेंटम का नहीं होता, इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होल्ड करेगा अगर सिस्टम कंप्लीटली आइसोलेटेड नहीं भी है तब भी। हाँ जी जनाब अली, 11वां जनाब, इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन। लो जी अभी हम बात कर रहे थे, फिर बात आ गई। इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन में डिफरेंशिएशन कीजिए, फर्क बयान कीजिए। इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम और कनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं, इनइलास्टिक कोलिजन में जब कोलिजन होती है तो मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, कनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन वाली वीडियो में इस बात को एक्सप्लेन कर चुके हैं कि क्यों ऐसा होता है कि मोमेंटम कंजर्व रह जाता है, कनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। और आगे क्या है जी के एक्सप्लेन कीजिए, गिव प्लॉसिबल रीजंस, कुछ माकूल वजूहात बयान कीजिए कि कनेटिक एनर्जी क्यों कंजर्व नहीं रहती। इन मोस्ट केसेस, ज्यादातर सिचुएशन में कनेटिक एनर्जी क्यों नहीं कंजर्व रहती? क्योंकि जब कोलिजन होती है तो ज्यादातर चांस ये होते हैं कि कनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा फ्रिक्शन की वजह से या साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए या फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो जाए, तो कनेटिक एनर्जी का कुछ ना कुछ हिस्सा लॉस हो जाता है जिसकी वजह से कनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रह पाती। और बाउंसिंग बॉल कैसे बिहेव करेगी इलास्टिक कोलिजन में और इनइलास्टिक कोलिजन में? बाउंसिंग बॉल, ठप्पा खाती हुई बॉल, अगर इलास्टिक कोलिजन है तो बॉल बाउंस लेके वापस उसी हाइट पे आएगी हर दफा, और इनइलास्टिक कोलिजन है तो हर दफा बाउंस लेके ठप्पा खा के नीचे 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 बिलाकर उसके ठप्पे मुक जाएंगे, बाउंसेस खत्म हो जाएंगे। 12वां जना बयाली देखिए क्या कह रहा है इसमें शायर। 12वां जी, व्हाट इज मेंट बाय प्रोजेक्टाइल मोशन? एनी टू डायमेंशनल मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। अच्छा जी, ड्राइव कीजिए एक्सप्रेशन किसके लिए? टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए और प्रोजेक्टाइल की रेंज के लिए। और ये भी प्रूव कीजिए कि रेंज मैक्सिमम होगी 45 की एंगल पे। तो देखिए जनाब, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आपके पास पहला पार्ट है, पार्ट ए, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एक्सप्रेशन डिराइव किया हुआ आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हुए ये डिराइव किया भी हुआ है, तो ये कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा मासूम सा शरीफ सा सवाल है मेरे जैसा, नमाज साहब जैसा। तो जनाब उसके बाद रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बी पार्ट, प्रोजेक्टाइल की रेंज के लिए फार्मूला डिराइव करना है, ये भी हम कर चुके हैं आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो उधर परली साइड पे तो रेंज का फार्मूला डिराइव करके अब प्रूव करना है कि रेंज 45 पे मैक्सिमम है। रेंज क्या है? वी आई स्क्वेयर और जी साइन 2 थीटा, तो थीटा की जगह पे 45 पुट कीजिए, 45 मल्टीप्लाइड बाय 2,
90 साइन 91 रेंज इज द मैक्सिमम, वो 45 पे रेंज मैक्सिमम है, थीटा की जगह पे 45 पुट कीजिए, जवाब निकालिए, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, तो रेंज भी इससे ज्यादा नहीं हो सकती फॉर दिस वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो जनाब ये भी प्रूव हो गया। उसके बाद जनाब याली चलिए नेक्स्ट, 13वां जनाब याली क्या कहता है, 13वां जनाब कहता है कि बताइए दसो पूछो, एट व्हाट पॉइंट आर पॉइंट्स के प्रोजेक्टाइल में कहां पे स्पीड ओवरऑल टोटल स्पीड टोटल वेलोसिटी कहां पे प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम होगी और कहां पे मिनिमम होगी, कहां पे प्रोजेक्टाइल की स्पीड मैक्सिमम होगी कहां पे मिनिमम होगी। देखिए जी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो उसकी है सेम हर जगह पे, वर्टिकल वेलोसिटी मिनिमम हाइट पर मैक्सिमम है और मैक्सिमम हाइट पर मिनिमम है, तो टोटल वेलोसिटी भी वर्टिकल वेलोसिटी के हिसाब से एडजस्ट होगी कि मिनिमम हाइट पे मतलब एट द टाइम ऑफ लॉन्च एंड एट द टाइम ऑफ हिटिंग द ग्राउंड, एट द टाइम ऑफ लॉन्च एट द टाइम ऑफ हिटिंग द ग्राउंड टोटल वेलोसिटी मैक्सिमम है और मैक्सिमम हाइट पे टोटल वेलोसिटी मिनिमम है। तो जनाबे आली यहां तक हमारे शॉर्ट क्वेश्चन मोटे मोटे गए हैं मुक, तो आखिरी जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये एमसीक्यूज हैं, ये मैं यहाँ से बुक से देख के आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जनाब व्हाट इज मेंट बाय बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री, बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री क्या होता है या क्या होती है जनाब, ये द पाथ फॉलोड बाय अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल्स, पाथ फॉलोड बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री है बैलिस्टिक मिसाइल का पाथ, बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री क्या है बैलिस्टिक मिसाइल का पाथ। तो पहली ऑप्शन ही इसमें है कि जनाब ये पहला एमसीक्यू है, तो के बैलिस्टिक मिसाइल के पाथ को यानी अनपावर्ड और अनगार्डेड मिसाइल के पाथ को ही बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। और दूसरा क्या है जनाब अली, दूसरा ये कहता है, ओ मेरा सफा गवाच लिया हो भाई कितने गया, हाँ जी व्हाट हैपेंस व्हेन अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज अंडरगोज एन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन के केस में क्या होता है, होता ये है जनाब के एनर्जी के व्हाट हैपेंस क्या होता है जब दो बॉडीज इलास्टिक कोलिजन करती हैं। पहली ऑप्शन देखे क्या है जी, मोमेंटम ऑफ सिस्टम चेंजेस, नहीं मोमेंटम तो कंजर्व रहता है। दूसरी ऑप्शन क्या है, मोमेंटम डज नॉट चेंज, तो जनाब ये सही है, बॉडीज कम टू रेस्ट ये जरूरी नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ इज वायलेटेड नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट मतलब खिलाफ वर्जी उसकी नहीं होती, तो दूसरी ऑप्शन उसकी सही है जिसमें कहा जा रहा है कि मोमेंटम डज नॉट चेंज, मोमेंटम कंजर्व रहता है इलास्टिक कोलिजन में। तो जनाब शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं, अगली एपिसोड में न्यूमेरिकल्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, टाइम आपकी मर्जी का, चैनल सेम, अल्लाह हाफिज़।